तो अगर आप यहाँ आ ही गए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा दो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जाओ और फॉलो करो। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाना है फतेहा बाय रंजीत बाबा। मैं तो इस गाने का कब से वेट कर रही थी, क्योंकि सिंगर है रंजीत बाबा एंड लिरिसिस्ट है लवली नूर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं अपने गाने लेकर, उनकी लिरिक्स और रंजीत बाबा की आवाज़, इनका स्टाइल, तो अलग ही मज़ा आता है गाना सुनने में। एंड क्योंकि मुझे पोस्टर से अंदाज़ा थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि दिस सॉन्ग कैन बी रिलेटेड टू गॉड समहाउ, तो मैंने अपना हेड कवर किया है। एंड सुनते हैं इसे एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द रिएक्शन। आई नो यू गाइस आर एक्साइटेड, राइट राइट राइट। ओके, स्टार्ट। ट्रिब्यूट टू जतिन सिंह। हो करो परवान साथी हाथ जोड़ फतेहा। ये टीजर में भी सुना था। ओ दसने दी लोड़ नहीं, ओ सारियां नु पतेया। करो प्रवान साडी हाथ जोड़ फतेया, दसने दी लोड़ नहीं ओ सारिया नू पतेया। खंडे दियां तारां उत्ते नचदी जवानी, खंडे दियां तारां उत्ते नचदी जवानी। गुड़दी जवारा सानू जुड़े छंद छंद नाल, कदे मत्था कंध नाल, कदे सरहंद नाल। जंगलां च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल, कदे मत्था कंध नाल, कदे सरहंद नाल। जंगलां च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल। हो कवि शरां दे जुड़े दंद दंद नाल, कदे मत्था कंद नाल, कदे सरहंद नाल। जंगलां च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल, कदे मत्था कंद नाल, कदे सरहंद नाल। जंगलां च पिया वेखो बादशाह आनंद नाल। हो बोल।
मास्टर का म्यूजिक, लवली नूर की लिरिक्स एंड रंजीत बाबा की आवाज। थैंक गॉड मैंने हेड कवर कर लिया, बिकॉज पूरे गाने में ही जो थी वो जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने इतना सैक्रिफाइसेस किया है, जिन्होंने इतना कुछ किया है अपने रिलीजन को बचाने के लिए, उनकी बात की गई थी। एंड थैंक गॉड मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चला लिया। एंड अब इस गाने के बारे में बात करते हैं। तो इस गाने के जो लिरिक्स थे, मैं बिल्कुल ये बात नहीं बोलूंगी कि मुझे सब समझ आ रहा था, क्योंकि इसमें सिखिज्म की कुछ हिस्ट्री को लेके बात की गई थी, इन्हीं गुरु के बारे में बात की गई थी। तो वो जो पार्ट था, क्योंकि मुझे हिस्ट्री इतनी अच्छे से नहीं पता एंड क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट जितना मैं जानती हूँ उतना मैं समझ पा रही थी इसको, एंड जितना मुझे जो मुझे नहीं पता ऑब्वियसली वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बट एक चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ये, मैं गाने के बीच में भी ये बात कर रही थी कि जो ये सिखिज्म की जो ये हिस्ट्री रही है ना यार, इतनी ज़्यादा बाकमाल रही है। एंड मुझे पता है कि आप लोग भी जब इसे देखोगे तो आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। इफ़ यू आर रिलेटेड टू दिस रिलीजन तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे बहुत प्राउड फील होगा दैट यस, थैंक्स टू गॉड वी आर अ पार्ट ऑफ दिस रिलीजन। क्योंकि यार जो हमारे देश के लिए इतने सैक्रिफाइसेस दिए गए हैं, ठीक है, आज तक दिए जा रहे हैं, और सहन शक्ति की तो मैं क्या ही बात करूं। जो सहन शक्ति है ना सिख लोग, जैसे हम यार देख सकते हैं, यहाँ भी किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, एक महीना हो गया है, वो एकदम आराम से बैठे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, ना हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही किसी तरीके की बदतमीजी की जा रही है, एकदम शांत पूर्वक तरीके से। जो एक वो होती है ना, एक लाइन होती है जो मेन है इसमें, किर्त करो वंड छको, मतलब भगवान का नाम लो और जो लंगर है उनका वो खाओ या बांटो, ऐसे करके कुछ वंट चको या आई थिंक बांट के खाना, ऐसा कुछ, हाँ बांट के खाओ। तो ये कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा है, लोग वहां बैठे हैं अपने रोजमर्रा के जो उनके काम है, नहाना धोना, खाना पीना, पाठ पूजा करना और अपने साथ इंसाफ की उम्मीद करना। तो अभी तक वो चीज कहीं ना कहीं चल रही है, और जिसमें आ रही थी लाइन की कभी कंध यानी दीवार के साथ, कभी सरहंद में, तो कभी जंगलों में बादशाह, यानी कि आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी की बात कर रहे थे वो, कि वो जंगलों में भी एकदम आनंद के साथ रह रहे हैं। तो आप लोगों को मतलब हम लोग ये सोच भी नहीं सकते ना कि यार उन्हें वहाँ पे ऐसे बहुत तकलीफ तो ऑब्वियसली हो रही होगी, क्योंकि सर्दी है, वो अपने घर छोड़कर बैठे हैं, बट वो वहाँ ऐसे नहीं होंगे यार हम बैठे हैं, यार ये क्या हो रहा है, यार ये कब होगा, नहीं। वो बहुत सब्र के साथ जो किसान बैठे हैं वहाँ पे, इतने लोग उनका साथ दे रहे हैं, बहुत सब्र के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं। फिर चाहे वो बुजुर्ग लोग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, औरतें हैं, जो भी है वहाँ पे सब आराम से बैठे हैं। एंड द सॉन्ग वॉज रियली रियली अमेजिंग। मैं तो वेट कर रही थी, मुझे ऐसा लगा था एक और चीज़ होगी, मुझे ऐसा लगा था गाना कल रिलीज होगा, तो मैं कल सुबह से तैयार होकर बैठी हूँ, अच्छा जैसे ही गाना आएगा, गाना स्क्रॉल करी, गाना आएगा एकदम कर दूंगी फटाफट से रिएक्ट, क्योंकि आपने बाद में भी तो बोलना ही है कि इस गाने पर रिएक्ट करो, और अगर मैं साथ के साथ कर दूंगी तो बढ़िया रहेगा ना। तो मैंने पहले ही कर दिया, अब इस पर रिएक्शन अब आ जाए ये गाना। सो रिएक्शन आपने मेरा देख लिया, इतना सारा मैंने लेक्चर दे दिया, तो आपको कैसा लगा मेरा रिएक्शन मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना।